मॉमीज, मैं पिंकी स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल प्रेगनेंसी हेल्प में। माय डियर मॉमीज, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। माय डियर मॉमीज, आज मैं आपको अपनी वीडियो में बताने वाली हूँ कि कभी कभी प्रेगनेंसी में हमारे पेट में काफ़ी ज़्यादा दर्द होता है और हम समझ नहीं पाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। अक्सर जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनके पेट में दर्द बना रहता है, ठीक है, और वो इसका कारण नहीं जान पाती हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ लेडीज़ तो डॉक्टर से मिलकर अपनी प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर देती हैं, लेकिन कुछ क्या करती हैं, यही सोच के बैठी रहती हैं कि नहीं, ये तो प्रेगनेंसी में ऐसा होता ही है। जी हाँ, प्रेगनेंसी में ऐसा होता है कि हल्का फुल्का पेट में दर्द बना रहता है, लेकिन कभी कभी इस पेट में दर्द होने के और भी बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं जो कि हमारी प्रेगनेंसी के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। तो डियर मॉमीज, हम अपने इस वीडियो में आज यही जानेंगे कि अगर पेट में दर्द हो रहा है तो हमें क्या करना चाहिए, हमें डॉक्टर से मिलना चाहिए या नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। तो इन्हीं सभी बातों को हम अपनी इस वीडियो में क्लियर करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले बस आपसे एक मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ठीक है, और साथ ही साथ लाइक बटन पर प्रेस करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप तक सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंचते रहें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, ऐसा क्यों होता है कि हमारे पेट में दर्द हमें क्यों महसूस होता है प्रेगनेंसी में? तो अगर हम बात करें हम अपने फर्स्ट ट्रिमेस्टर की, ये फर्स्ट ट्रिमेस्टर यानी आपका पहला तिमाही, तो उस टाइम हम इतने ज़्यादा वीक रहते हैं कि कुछ भी चीज़ हम खाते पीते हैं तो वो हमारे शरीर को नहीं लगती। अक्सर हम लूज मोशन हमें हो जाते हैं या हम बहुत ज़्यादा वॉमिट करते हैं, हमें कब्ज की बहुत दिक्कत हो सकती है। तो कब्ज़ की दिक्कत के कारण वॉमिट या लूज मोशन या मॉर्निंग सिकनेस, ठीक है, बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं तो उसके कारण भी हमें पेट में दर्द हल्का फुल्का महसूस हो सकता है, ठीक है, कब्ज़ के कारण भी। तो उसमें इतना आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। अब हम बात करते हैं सेकेंड ट्रिमेस्टर और थर्ड ट्रिमेस्टर में क्या होता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जैसे जैसे हमारी प्रेगनेंसी एडवांस होती है, बढ़ती है, बच्चे का आकार बढ़ता है तो हमारी मसल्स में खिंचाव आता है, तो ब्रैक्सन हिक्स संकुचन के कारण क्या होता है कि हमारी जो पेट की जो नसों पर खिंचाव पड़ता है उसके कारण हमें दर्द होता है। साथ ही साथ एक भारीपन सा महसूस होता है, बच्चा स्पेस लेता है तो हमारे जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उन पर भी दबाव पड़ता है, ठीक है। ऐसे ही सेम हमारे जो थाइज़ हैं उनमें भी दर्द होने लगता है, ठीक है। तो जब प्रेगनेंसी एडवांस होती है, बच्चे का आकार बढ़ता है तो हमारे शरीर का भी जो हमारे शरीर की जो मसल्स होती हैं उनमें खिंचाव के कारण भी हमें दर्द महसूस हो सकता है। इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसे रीजंस होते हैं जो कि क्या करते हैं, हमारे पेट के दर्द के कारण बन सकते हैं, जैसे कि मैं आपको वन बाय वन करके क्लियर करती हूँ, जिसमें सबसे पहला है एक्टोपिक प्रेगनेंसी होना। कभी कभी हमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी होती है, अगर आप डॉक्टर से बराबर मिल रहे हैं या चेकअप करवा रहे हैं तो उसमें ये चीज़ क्लियर हो जाती है। तो अगर आपने वो चीज़ चेकअप नहीं करवाई, डॉक्टर से आप नहीं मिले हैं, तो एक्टोपिक प्रेगनेंसी में होता क्या है कि जो एग है वो हमारे यूटरस में स्टेबल ना होकर जो हमारी फिलोपियन ट्यूब्स होती है वहाँ पर उसका प्रत्यारोपण हो जाता है। मीन्स हमारा जो गर्भधारण है वो गर्भाशय में ना होकर जो फिलोपियन ट्यूब है वहाँ पर हो जाता है। तो ऐसी सिचुएशन में हल्का फुल्का पेन हमें बना रहता है और हमें दर्द महसूस हर वक्त होता रहेगा। तो एक ये भी रीज़न होता है कि हमारे जो हमारे पेट में दर्द महसूस होता है। इसके अलावा और जो रीज़न है, जैसे आपको मैंने अभी क्लियर किया कि जैसे जैसे हमारी प्रेगनेंसी एडवांस होती है, प्रोग्रेस करती है, वैसे वैसे हमारे लिगामेंट में खिंचाव होता है और उन खिंचाव के कारण भी हमें काफ़ी ज़्यादा पेन महसूस होता है, ठीक है। वो आपके पेट के बाईं तरफ भी हो सकता है, पेट के दाईं तरफ भी हो सकता है, आपके पेट के निचले हिस्से में भी हो सकता है, क्योंकि देखिए सारी चीज़ें बढ़ रही हैं और कुछ जो हमारे जो पार्ट्स होते हैं उन पर दबाव पड़ता है, ठीक है, इंटरनल ऑर्गन्स पर हमारे दबाव पड़ता है, तो ये दर्द हमें महसूस होता रहता है, हमें दर्द हर वक्त महसूस होगा और हम बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करती हैं। कभी कभी हमें दर्द प्लेसेंटा के टूटने के कारण भी होता है, जैसे हमें पता ही नहीं चलता हो हमारा जो प्लेसेंटा है वो टूट जाता है, जिससे कि बच्चे को फूड मिलता रहता है, ठीक है, तो वो प्लेसेंटा टूट जाता है तो उसके या उसमें किसी प्रकार की इंजरी हो गई या कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम उसमें हो गई तब भी हमें दर्द महसूस हो सकता है। इसके अलावा और जो रीज़न हो सकता है वो है प्रेगनेंसी में प्रीक्लैम्पसिया होना। इसमें क्या होता है कि हमारा जो रक्तचाप है
उच्च हो जाने के कारण, यानी हमारा जो ब्लड प्रेशर है हाई हो जाता है और हमारे जो यूरिन में प्रोटीन की लेवल काफ़ी बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि हमें पेट में दर्द महसूस होता है और हमारे जो बच्चा है उसको ऑक्सीजन लेने में दिक्कत होती है, मीन्स उसको ऑक्सीजन पहुंचने में दिक्कत होती है। तो बच्चे को तो दिक्कत होती ही है, साथ ही साथ क्या होता है प्रीक्लेम्सिया के कारण हमारे पेट में भी दर्द बना रहता है। इसके अलावा अगर आपको किसी प्रकार कोई इन्फेक्शन हो गया, लाइक आपको वेजाइना इन्फेक्शन हुआ है या फिर और भी यूटेरस में इन्फेक्शन हो गया या कहीं पर भी आपको कोई इन्फेक्शन हो गया है, तब भी आपको दर्द महसूस हो सकता है आपके पेट में, ठीक है। तो ये ऐसा आपके, जैसे मैंने आपको क्लियर किया, फर्स्ट ट्रिमेस्टर में कब्ज़ के कारण ऐसा हो सकता है, लेकिन सेकंड ट्रिमेस्टर और थर्ड ट्रिमेस्टर में ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी हमारी बढ़ती है, एडवांस होती है, तो इस कारण भी आपके ये पेट में दर्द बना रहता है। तो अगर आपको दर्द बहुत ज़्यादा महसूस हो रहा है और आप इतने अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं कि आपको कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा, तो देखिए मैं आपको यही एडवाइस करूँगी, चाहे हल्का फुल्का पेन हो चाहे ज़्यादा पेन हो, आपको हमेशा अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, आप खुद से तो नहीं जान पाओगे कि आपको प्रीक्लेम्सिया की दिक्कत है, खुद से नहीं आप जान पाओगे कि आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी है, ये आपको डॉक्टर ही बताएगा, ये आपको अल्ट्रासाउंड से ही पता चल पाएगा, सोनोग्राफी से ही पता चल पाएगा। तो प्लीज़ इस चीज़ को आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है कि ये तो प्रेगनेंसी में होता ही है। जी बिल्कुल होता है, हल्का फुल्का दर्द बना रहता है जो कि टॉलरेट हम जिसको कर सकते हैं, बट आप बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल महसूस करते हैं और आपको हर मिनट में वो दर्द महसूस होता है, तो आपको अपने सारे चेकअप अपने डॉक्टर से करवा लेने चाहिए। हालांकि हल्की फुल्की एक्सरसाइज, व्यायाम, गहरी सांसें लेने से, व्यायाम करने से, वॉक करने से, हल्का फुल्का योगा करने से, अगर आप आधा आधा घंटा भी सुबह शाम अपनी बॉडी को दे रहे हैं, ठीक है, आधा घंटा सुबह आधा घंटा शाम को आप व्यायाम कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, ल्यूक वॉर्म वाटर आप पी रहे हैं, ये जो मैं घर की चीज़ें बता रही हूँ जिससे कि आप कंफर्ट फील कर सकते हो, अगर आपको नॉर्मल पेन है तो ये इन सब चीज़ों से ये ठीक हो जाएगा। लेकिन आपको प्रॉब्लम है, ठीक है, जैसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी है या और भी कुछ दिक्कत है, तो वो आपको इन सब चीज़ों से भी उसमें आपको आराम नहीं मिलेगा। ऐसी कंडीशन में आपको सिर्फ और सिर्फ अपने डॉक्टर से ही बात करनी है, ठीक है। तो प्लीज़ इसको बिल्कुल भी आपको नज़रअंदाज नहीं करना है कि ये तो प्रेगनेंसी में ऐसे होता ही है, जैसा कि मैं बोल चुकी हूँ बिल्कुल होता है, लेकिन ना जाने कब कौन सा प्रॉब्लम आपकी प्रेगनेंसी में आ जाए, इसलिए वो प्रॉब्लम को आने ही मत दो। आप इमिडिएटली अपने डॉक्टर से बात करें, चेकअप करवाएं और अपनी हेल्दी प्रेगनेंसी को मेंटेन करके रखें, ठीक है। तो माय डियर मॉमीज, आई होप आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, कमेंट भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।